हेलो, अगर आप हैं बिहार स्टेट क्वालिफाइड और भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में अपग्रेडेड स्कूल जो हैं, जो अपग्रेड हुए हैं, जहां पर 8वीं तक की पढ़ाई होती थी, जहां पर अब 9वीं 10वीं की भी पढ़ाई होने जा रही है पंचायतों में, वहां पर क्या तमाशा चल रहा है। प्रतिनियुक्ति के नाम पर किस तरह से टीचर्स हेर फेर कर रहे हैं कुछ सरकारी अधिकारियों के मिले होने के कारण। तो अखबार का ये हिस्सा अगर आप हिंदुस्तान का अखबार देखें, जो बिहार शरीफ में जो छपा है, तो उसमें आपको ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। और देखिए इसमें हेडिंग क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे ऊपर, अपग्रेड हाई स्कूल, 10वीं में गए छात्र पर सुविधाएं नहीं, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। अब सुविधाएं नहीं है, ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि प्रतिनियुक्ति रद्द कराने के शिक्षकों की भी हुई कमी, 9वीं और 10वीं में गए छात्र पर न कमरे बढ़े ना अन्य सुविधाएं, अधिकारियों की मिली भगत। सीधा अखबार लिख रहा है अधिकारियों की मिली भगत है। सिर्फ रहुई प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूलों में 36 प्रतिनियुक्ति शिक्षकों में 8 ने जिला के विभागीय अधिकारियों, 36 में से 8 ने जिला विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से अपनी प्रतिनियुक्ति रद्द कराने में सफल रहे हैं। अब क्यों रद्द करवा रहे हैं उस पर आगे बात होगी, और क्या है ये प्रतिनियुक्ति का मामला उस पर बाद में बात करेंगे। पहले अखबार का जो मेन मेन पोर्शन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। और दो शिक्षकों ने ही ज्वाइन ही नहीं किया, यही हाल रहा तो सरकार ने जो उत्क्रमित हाई स्कूलों में +2 तक पंचायत के बच्चों को पंचायत में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सपना देखा था, वह इन अधिकारियों की कार्यशैली के कारण धरा का धरा रह जाएगा। पंचायत में +2 तक की शिक्षा देने की योजना। राइट साइड में देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या कह रहे हैं नालंदा के। भविष्य को देखते हुए उत्क्रमित हाई स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, अगर कोई अनैतिक तरीके से प्रतिनियुक्ति रद्द कराई हो तो उसकी जांच कराई जाएगी। जांच कैसे होगी जब सरकारी अधिकारी खुद ही इसमें शामिल हैं, जिस तरह से अखबार का पिछला वाला आपने पार्ट देखा कि अधिकारियों की मिली भगत से सारा काम हो रहा है। 9वीं में नामांकित बच्चों को पढ़ाने के लिए मिडिल स्कूल के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को संकायवार प्रतिनियुक्ति की गई थी, लेकिन कुछ शिक्षकों ने जिम्मेवार अधिकारियों की मिली भगत से प्रतिनियुक्ति को रद्द करवा लिया है। अभी सारा मामला क्या है, 30,000 कुछ पद तकरीबन, वो सारा सम अप करें, कंप्यूटर वाला भी उसमें जोड़ दें तो तकरीबन 33,000 के आसपास वैकेंसी नई क्रिएट की गई थी बिहार में। मेनली 9-10 की वैकेंसी थी, जो कंप्यूटर वाली वैकेंसी थी वो 11-12 की वैकेंसी थी। अब ये सारी वैकेंसी क्रिएट की गई थी उत्क्रमित स्कूलों के लिए, ये आज से तकरीबन ये 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बाद में कई बार जिक्र किया, अखबारों में हज़ारों बार ये कहाँ सारी कहानी आई उत्क्रमित स्कूलों की। और इन्हीं उत्क्रमित स्कूलों में जो टीचर की रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए STET जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है वो उसी के लिए इंटेंडेड है, पर चूंकि सरकार ने टाइम पर एग्ज़ाम लिया नहीं, टाइम पर रिजल्ट दिया नहीं, अभी तक बहाली हुई नहीं, इसलिए जो ऑलरेडी वर्किंग टीचर थे, खास करके शहरी स्कूल इलाकों में जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक अवेलेबल थे, वहाँ से कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करके उन इलाकों में, उन पंचायतों में भेजा गया जहाँ पर अभी तक 8वीं तक की ही पढ़ाई होती थी, और अब वहाँ पर सरकार 12वीं तक की, मतलब +2 तक की पढ़ाई करवाना चाहती थी। अब इसमें टीचर्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रामीण इलाकों में जाना नहीं चाहते हैं, या ग्रामीण इलाकों में वैसी सुविधाएं नहीं हैं, उस तरह की सैलरी में भी फ़र्क आता है, ज़्यादातर लोग शहरी इलाकों में ही रहना चाहते हैं तो कोई जाना नहीं चाहता है। अब उसी को लेकर के ये सारा नौटंकी चल रहा है जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। कई लोगों ने जिनको उत्क्रमित कर दिया था उसके बावजूद भी कैंसिल करवा लिया, कई लोगों ने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, तो यही सारा कुछ चल रहा है। अब बाकी विद्यालय में जो सुविधाओं का हाल है वो भी इसमें काफ़ी हद तक अखबार ने जो लिखा है, ग्राउंड कंडीशन भी यही है। अगर आप भी अपने आसपास के किसी भी उत्क्रमित स्कूल की अगर जांच करें, वहां जाकर के ग्राउंड रियलिटी देखें, तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों में नामांकन के लिए प्रवेशोत्सव अभियान चलवाया, छात्रों का रिकॉर्ड नामांकन भी हुआ, लेकिन बच्चे किस कमरे में बैठकर पढ़ाई करेंगे इसकी व्यवस्था करने की पहल नहीं की गई। हद तो यह है कि उत्क्रमित हाई स्कूलों में बच्चों के भी बैठाने व पढ़ाने के लिए शिक्षक का ध्यान नहीं रखा गया। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में जिले के 89 हाई स्कूल विहीन पंचायतों के एक एक मिडिल स्कूल को उत्क्रमित कर हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया था। इसकी वजह ये थी कि पंचायत में ही बच्चे माध्यमिक स्कूल स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकें। जिस वक्त मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उत्क्रमित किया गया था
उसके नीचे पढ़ें थोड़ा, 9वीं में नामांकित होने वाले बच्चों के लिए हाई स्कूलों में एक तो कहीं दो कमरों का निर्माण कराया गया था, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो बात है वो कंप्लीट हुई थी, लेकिन सत्र 2020-21 में 9वीं में नामांकन छात्र चालू सत्र 2021-22 के 10वीं में चले गए, वहीं 8वीं कक्षा के बच्चे 9वीं में नामांकित हो गए। ऐसे में बच्चों की संख्या तो बढ़ी लेकिन कमरों और शिक्षकों की संख्या जस की तस बनी हुई है। इन बच्चों के लिए ना तो अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराया गया और ना ही शिक्षक तैनात किए गए। निश्चित तौर पे यह स्थिति बच्चों के साथ साथ स्कूल प्रशासन के लिए भी समस्या का कारण है। यही सारी बातें लिखी हुई हैं, गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज़ होगा और कुछ स्कूलों का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये सारा मामला यही है कि कोई भी शहरी इलाकों को छोड़ के जाना नहीं चाहता, सरकार उनको भेजना चाहती है और जो नई वैकेंसी जो 33,000 वैकेंसी है वो असल में इन्हीं स्कूलों के लिए थी जैसा कोई अता पता नहीं। अभी छठे चरण की 30,000 की बहाली हुई नहीं, उसके बाद एसटीईटी 2019 के बेसिस पर 37,000 लोगों की जो बहाली होनी है वो भी नहीं हुई, और जो 33,000 नया जो क्रिएट किया गया था स्कूलों के उत्क्रमण के साथ ही उसका भी कोई अता पता नहीं। तो कहने का मतलब है कि बिहार में स्कूल हो सकते हैं पर छात्र भी हो सकते हैं, पर जो शिक्षक हैं उनकी बहुत भारी कमी है और वो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि किस तरह से लापरवाही, अब ये सिस्टम की चूक हो या जिसकी भी चूक हो या जहाँ कहीं भी मिस्टेक हो रहा हो, पर ग्राउंड रियलिटी यही है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। चाहे वहाँ पर आप किसी भी पैरामीटर पर परखें, हालत सभी स्कूलों की ख़राब सी ही लगती है, ख़ास करके ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ख़राब है। तो ये हाल था उत्क्रमित स्कूलों का। बाकी जब सातवें फेज की नियुक्ति होगी एसटीईटी 2019 के बेसिस पर, तो अभी देखना है कि लोगों को पोस्टिंग कहाँ दिया जाता है। वैसे तो हर एक नियोजन इकाइयों से वैकेंसी आएगी, शहरी इलाके भी होंगे, वहाँ नगर निगम से भी आएगा, जिला परिषद से भी आएगा, नगर परिषद से भी आएगा। तो अभी टाइम बताएगा कि मामला किधर को जाएगा और कहाँ किस किन किन इलाकों से कितनी वैकेंसी आएगी और सरकार इन उत्क्रमित स्कूलों की जो वैकेंसी है इसको किस तरह से सरकार मैनेज करती है, ये भी आगे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जब अभी छठा फेज ही बच रहा है तो जो नए 33,000 जो सीट क्रिएट किया है उसके लिए सरकार जॉब दे दे जल्दी से, ये तो पॉसिबल नहीं लगता है। पहले छठा होगा, फिर सातवां होगा, फिर उसका नंबर आएगा, तो वो अभी कई सालों का मामला है जो नया वाला है, जो 33,000 वो काफ़ी आगे का मामला है। अभी टाइम बताएगा कि आगे किस तरह सरकार मैनेज करती है, और सिर्फ ये कागजी ऐलान ही तो ना रह जाएगा, कहीं पंचायतों में प्रॉपर एजुकेशन की सिस्टम जो है वो बहाल होगी या नहीं होगी, अब ये सब चीज़ें टाइम ही बताएगा। पर अभी तक जो हालत है वो कहीं से भी सही नहीं है, स्कूलों की हालत कहीं से भी सही नहीं है। तो कुल मिला के इस वीडियो में यही था कंडीशन कि अगर आप ग्रामीण इलाकों में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो इस तरह की डिफ़िकल्टी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे जो वहाँ पर जो बाकी जो फैसिलिटी होती, चाहे कमरों का होना या बैठने उठने की सही जगह होना, वो सब उन चीज़ों की कमी है। तो इस चीज़ के लिए अगर आप ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग होती है तो इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस वीडियो के थ्रू या ये अखबार के इस हिस्से के थ्रू आप तक पहुँची वो है, इस पूरे सिस्टम में जो अधिकारियों का जो हस्तक्षेप है, जो उनका मैनेज करने का जो तरीका है, गलत तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, जिस तरह से उन लोगों ने जितने भी टीचर प्रतिनियुक्ति पर जा रहे थे या एक जगह से दूसरी जगह प्रतिनियुक्त हो रहे थे उसको कैंसिल किया है, किसी को कहीं भेजा है, किसी को मनपसंद जगह दिया है, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि करप्शन का भी बड़ा बोलबाला है इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो अभी के लिए बस इतनी ही सारी बातें थीं। आगे एसटीईटी से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, अपडेट आती है, ख़ास करके आज के टाइम पर सबकी निगाहें हैं कोर्ट केस की तरफ, तो कोर्ट केस पर ख़ास नज़र रखेंगे। अगर कोई भी केस का अपडेट आता है तो उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। पर अभी के लिए बस इतनी ही बातें थी कि अपग्रेडेड हाई स्कूलों में जो कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की या वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर की, वो सब चीज़ें सही नहीं हैं, और वहाँ पर अगर आपकी जॉब होती है तो आपको डेफिनेटली स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि बैठने तक की ढंग से जगह नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे इसी तरह से टीचर रिक्रूटमेंट या एसटीईटी की खबरों को कवर करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।